उसके बाद बता तेरी आदत अभी से ऐसी है पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दुल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? कुछ इतना तूने मेरे कान में कही थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं? मेरी ये पिंकी फिंगर फ्रैक्चर हो गई है, इसकी भी ये पिंकी फिंगर फ्रैक्चर हो गई है। फ्रैक्चर सेम सेम है, राइट जगह हम लोग सेम स्पॉट पे आए हो। सेम हम लोग सेम लगा है। बट क्या हुआ वो स्टोरी आप लोग रहने दो, छोड़ो क्या हुआ जाने दो, क्या जानता कोई। तो हुआ क्या था अब मैं बताता हूँ। तो हम कार में हमारी मस्ती में मस्त थे, मैं और विशाल, और अरमान मलिक जैसा एक आदमी हमारे से टकरा गया। वो लोग होते हैं ना जो अपने आप को हीरो समझते हैं और ये कोशिश करते हैं लोगों को बताने के लिए कि मैं ही सुपीरियर हूँ, बस वैसे ही किस्म का एक आदमी था। और टकराने के बाद उसने विशाल को बहुत पोक किया और बातों बातों में ऐसी ऐसी कुछ बातें बोल दी जो बर्दाश्त नहीं हो पाई। फिर मैंने और विशाल ने उसे बिठा कर आराम से समझाया। तो मेरा यही बोलना है कि बेटा हाथ उठाना ना हमको भी बहुत अच्छे से आता है, किसी की फसली कैसे फिट करना रहता है ना वो हमको भी बहुत अच्छे से पता है। बट फर्क ये है ना कि हमारा जो जोर है हम किसी इनोसेंट बंदे पे नहीं दिखाते। जैसा कि तूने विशाल पे हाथ उठाया और जो रीजन की वजह से तूने हाथ उठाया उससे मुझे समझ में आता है कि तेरे दिमाग में तेरी मेंटालिटी और तू किस टाइप का इंसान है। मेरी वाइफ पायल और गोलू मलिक है, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे ऊपर रेप केस लगवा दिया गोलू के घर। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि अरमान मलिक छत के ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां से ये खुद बता रहा है कि गोलू और पायल ने मेरे ऊपर रेप का केस लगाया है। बेटे ये है गाइस, इसका ये FIR हुई थी इस पे जो रेप केस की, ठीक है। और रेप केस भी क्या था मैं बताता हूँ। अरमान सुन, संदीप उफ अरमान मलिक 23/9/2019 तो अरेस्ट हुआ था। तेरे पे क्या क्या धारा दी है? 328, 323, 354, 376A, 366 तेरे ये नहीं। और ये कोई लड़की का केस नहीं था, ये इसके पास लड़की काम करती थी, ये नियाल विहार एक जगह दिल्ली में, तो एक लड़की काम करती थी, वो इनकी काम। विशाल को मैं कई साल से जानता हूँ और ये जो टॉपिक और ये जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हो बिग बॉस में, जो मुद्दा उठ रहा है इस टॉपिक पे, मैं 110% श्योर होकर ये चीज़ बोल सकता हूँ कि विशाल के दिल में ऐसा कुछ नहीं था जो वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है। विशाल ने क्लियर कट ये चीज़ बोला है कि भाभी मुझे बहुत सुंदर लगती है, और ये स्टेटमेंट में मुझे कोई गलत नहीं लगा। उसके बाद उसने ये भी ऐड किया कि मैं वो वे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। इस वे में बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस तो नहीं बोला था कि मैं वो गलत वे में, मैं भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था, भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। Wake up to reality. बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अरे कुत्ते, अच्छे वे में बोला मैंने। और चलो एक हिसाब से हम ये भी सोच ले कि उसके दिमाग में कुछ और था, बट उसने जो स्टेटमेंट दिया है कि भाभी बहुत सुंदर है, इसमें मुझे कोई गलत चीज नहीं लगी। उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने कुछ वल्गर नहीं बोला। बिग बॉस के घर में जो रणवीर है उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोली, और एक स्टेटमेंट की वजह से तो आपकी जो वाइफ है कृतिका जी वो तो रोना चालू कर दी थी। तो वो सब टॉपिक को आप मुद्दा नहीं बना रहे हो, बट जबरदस्ती जो टॉपिक का ना सर है ना पैर, आप वो टॉपिक को उठा के जबरदस्ती विशाल को टारगेट कर रहे हो, फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रहे हो विशाल पे, विच इज वेरी रॉन्ग। अभी माहौल थोड़ा गर्म हो गया, मैं और ऋषि जा रहे हैं अभी नेहा के पास, और आगे की बातचीत में वहां करता हूँ।
बिलाल विशाल के घर पे हम लोग आए हुए थे और अभी हम लोग देख रहे थे ये वाला आज का एपिसोड। पहली बात तो अनिल कपूर जी जो भी हैं उनको पहले तो हटाओ, पहले निकालो, क्योंकि डे वन से देख रहा हूँ जब भी वो वीकेंड का वार हो रहा है या जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विशाल और उन लोगों को टारगेट किए जा रहे हैं जबरदस्ती। मैटर कुछ भी नहीं है मगर उन लोगों को जबरदस्ती पोक करना है विशाल को। उसमें सीन ऐसा है कि विशाल ने क्लियरली कटारिया के कान में बोला था कि भाभी सुंदर लगते हैं, भाभी सुंदर लगते हैं, भाभी मुझे पसंद है, ऐसा नहीं बोला। वो दूसरों की बात में आके विशाल ने शायद एग्री कर लिया क्योंकि उसको लगा पायल भाभी बाहर से है। पैनिक था वो बहुत। इसमें बहुत सारे लोग इतने हैं ना कि क्या क्या चीज बोल रहे कि वो रणवीर जी जैसे उन्हें इतनी बड़ी चीज की, इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने, इंसान का दिल भी बड़ा होना चाहिए साथ में, वो भी माइंड भी बड़ी होनी चाहिए। ये बात उन लोगों को बुरी लगी, ये वर्ड्स थे उनके। अब ये चीज को हाईलाइट भी नहीं किया गया, इस चीज के बारे में किसी ने बात तक नहीं की कि रणवीर जी ने ये बोला है, दो बार बोला है, पता है दो बार, एक मुहावरा भी दिया और एक ये था कि वो मुंह में आया हक दिया और वो वाली बात पे भी वो रोने लगे। उसको हम लोग मुद्दा नहीं बना सकते, वो रोई उस बात पे। हम उनके अगेंस्ट नहीं है पर हम एक पॉइंट उठा रहे हैं, अगर बिग बॉस ये चीज पे पॉइंट उठा रहे हैं तो वो चीज पे वीकेंड के बाद पे क्यों नहीं पॉइंट उठा रहे। सही बात, सीधी बात है। इतना पोक किया गया अरमान जी ने, इतना अरमान जी भी छोड़ो, अरमान ने इतना पोक किया कि वो बेचारा एक टेंपर, फिर भी वो बंदे, वो बच्चा है उनके सामने, जैसे वो बोलते हो बदतमीज है ये, हाँ, बड़े छोटे की बात कर रहे हो, उनके सामने बच्चा है अरमान जी। अगर पायल जी आप पायल आप देख रहे हैं ना तो वो बच्चा है, बच्चा है। आप लोग को लिटरली आपके बच्चे हो चुके हैं, आप लोग सोच रहे आप लोग को कितना मैच्योर होना चाहिए और ये आपा वाली चीजें कर रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा इमेच्योर वाली हरकत पूरे बिग बॉस में अरमान ही कर रहा है, अरमान मलिक की सबसे बचकानी हरकत कर रहा है, अंडियों की तरह चुगली कर रहा है यहाँ आ जाके। नहीं कोई बात नहीं, विशाल को टारगेट कर रहे हो करो, पर उसकी गलत चीज कैरेक्टर पे नहीं डालना चाहिए। जो उस बच्चे ने की नहीं है कोई चीज, कोई गलती नहीं की है उसने। अगर गलती किया होता तो हम पहले फैमिली हम है ना, हम उसको जानते हैं, हम पहले स्टैंड लेते हैं, हम ऐसे ओपनली उसको सपोर्ट नहीं करते। और सबको लगा रही है फैमिली है सपोर्ट तो एनीवेज करेंगे, जी नहीं, हम वैसे है ही नहीं कि हम उसको ओपनली सपोर्ट करें वो चीज पे। क्योंकि आज तक विशाल को फर्स्ट वीकेंड के बाद से इतना टारगेट किया गया पर मैंने आज तक एक स्टोरी नहीं डाली थी किसी के भी खिलाफ, आज तक मैंने कोई चीज भी नहीं की, ये सही बात है, सीधी बात है, किसी को वो नहीं किया, फैमिली से किसी ने किया है। तो धीरे धीरे बिग बॉस इसे ओपन कर रहा है क्या कि चलो मारा पीटी आप इसको बॉक्सिंग वो रिंग बना देते हैं कि आप इसमें हाथापाई हो और टीआरपी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। खैर जो चीज चाहिए थी वो तो हो ही गई, बट अगर कल बाहर नहीं आया अरमान तो चीजें बहुत बुरी होगी, क्योंकि ये जो रूल ब्रेक हुआ इसके लिए वो बाहर आना चाहिए। बाहर का जो भी होगा वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि ये जो चीज है बहुत गलत है। बिग बॉस के हिसाब से वो बाहर आता है तो बाहर आए, बट वो किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता, किसी को भी नहीं थप्पड़ मार सकता वो। हाथापाई का ही सीन है तो आ जा बोला भाई, बाहर आ जा, तू बाहर तो आ, देखो हम लोग बताएंगे। जैसे वो कटारिया को बोलते हैं भाई यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पता है ना पीछे से 10 लोग भी आएंगे, भाई 10 लोग उनके ही होते हैं जो सच्चे होते हैं। अब बहुत ज्यादा ही टारगेट, अरे हाथ उठा दिया, इसके इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती, हाथ उठा सकता है वो। बहुत हीटअप बातें चलती रहती तो होता है ना कि दोनों दो इंसान सामने आमने आ रहे, तुम वो लड़के पे आके अचानक ऐसा हाथ उठा रहे हो, क्या समझता क्या अपने आपको तू? भाई विशाल जब अंदर गया ना वो उसको बुरा लग रहा था। जो आप अपने पति के लिए अब भी ले रहे हो ना, आपको बहुत साल पहले लेना चाहिए था। सो सॉरी, मेरा तो कोई हक नहीं बनता है बोलने का और ना बोलना चाहिए, पर आज तक हमने कभी कुछ बोला भी नहीं है, पर ये स्टैंड आपको बहुत पहले लेना चाहिए था। जो आप बोल रहे हो ना कि सब ये आया है न्यूज में कि आप बोल रहे हो कि देश के भाइयों को की रिक्वेस्ट है आप ऐसा कभी मत करिए, अरमान ने गलत किया ये वो जो भी है, पर ये आपको पहले ही सोच समझ के लेना चाहिए। और अरमान जो मेरे भाई के कैरेक्टर पे आ रहा है कि भाई इसकी नीयत तो दिख गई, भाई आपकी भी नीयत बहुत साल पहले दिख गई, तो आप मत ही बोलिए कुछ, शांत बैठो ठीक है, मत बोलो, जो भी हो जैसे भी हो हमें आपका सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया ठीक है, पर अब ये हमारा टाइम। अब ये चीज है कि हमको उसको दिखाने की जो तूने किया वो गलत था और आगे ये बिल्कुल भी सही नहीं था, ये कोई कर भी नहीं सकता, तो उसके लिए हमें एक बेंचमार्क ना अब भी करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि भैया इस बार आप बिग बॉस में ऐसा करो ना, आगे ऐसा हिम्मत मत करो। नहीं ये बिग बॉस के लिए भी बहुत अच्छा होगा और जो अंदर खेलेंगे ना उनके लिए भी बहुत सेफ होगा, नहीं तो फिर भैया हम अपने बच्चों को उतार देते हैं ना, वो स्लैपिंग वाला जो गेम है जो स्लैप करते हैं उसमें उतार देते हैं, फिर बिग बॉस में भेजें क्यों किसी को, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा कंटेस्टेंट को। ऑलराइट गाइस, तो अभी बस और कुछ नहीं, सच बोलूं तो दिल से बुरा बहुत लग रहा है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ कि कोई एक अनपढ़, मैं तो बोलूंगा अनपढ़ गवार, और जिसको
कैसा रहते हैं दुनिया में उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो बंदा विशाल को चमाट मार रहा है, ये बात मुझे तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। बट क्या कर सकते हैं, हम लोग को कंट्रोल करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग उसके जैसा रिएक्ट नहीं कर सकते। सच मानो तो भाई गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब वो क्या बोलूँ सड़ेले को, यहाँ पे हमारे सामने अगर उसने अगर वो हरकत कर दिया रहता ना तो हम लोग उसको बताते कि तूने क्या किया है। हम लोग वहाँ नहीं है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे, इसके लिए गुस्सा हम लोग अभी कंट्रोल कर रहे हैं। मगर एक चीज़ हम लोग को चाहिए, वो है अपोलॉजी वीडियो, ये तो बना के सॉरी बोल, क्योंकि तूने जो हरकत किया है वो बहुत गलत है, तू किसी पे हाथ नहीं उठा सकता। हम लोग अरे भाई रहने वाले लोग हैं, हम लोग को ये सब बात बोलो भी, उसके बाप ने नहीं उसको मारा आज तक, ये उसके उसको आज तक हाथ नहीं लगा, हम लोग ने किसी ने भी, डैड ने उसको नहीं मारे, उसके घर पे किसी ने उसको, मतलब वो एकदम जॉली बंदा है भाई, वो किसी से वाला सीन ही नहीं था भाई। हम लोग का मेरा विशाल का इतनी बार हम लोग हुआ है मगजमारी, वो उल्टा मेरे को मारता था, बट उसका ऐसा शगल है, हम लोग को हाथ लगाने को मन नहीं करता उसको, यार उसको क्या करेंगे यार, होता शगल से ऐसा यार, वो ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ये, जो भी जितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो ये चीज एकदम गलत हुई है, और इस चीज के एक्शंस भी उसी हिसाब से लिए जाने चाहिए। ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही समझ लो रिक्वेस्ट भी, हम लोग को फिलहाल तो नहीं करनी चाहिए, बट हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बात अपॉलॉजी बनती है इस चीज़ पे। और गाइज आप लोग का पूरा सपोर्ट दिखाओ इस चीज़ में, 100% सपोर्ट चाहिए भाई हमारे विशाल को, क्योंकि भाई ये जो चीज़ हुई है इसमें आप लोग को भी पता है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आप लोग अपने हिसाब से प्लीज़ विशाल को सपोर्ट करो जैसा हो, अब ट्रॉफी वॉफी छोड़ो, बस उसको सपोर्ट करो, सच का साथ दो, सच का साथ दो, और देखते हैं अभी आगे क्या देखेंगे।